एंड आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे आप दुर्गा यूनिवर्सिटी के हो, पंडित रविशंकर के हो, चाहे आप अटल बिहारी बिलासपुर यूनिवर्सिटी से हैं, बस्तर यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे आप BA, BSc, BCom कर रहे हैं, चाहे आप BFarm कर रहे हैं, DFarm कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या फिर आप BSc नर्सिंग कर रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट लोग सोचते हैं और चाहते थे कि हमारा सभी का जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, ऑफलाइन एग्ज़ाम हमें नहीं देने, क्योंकि जब हमारी पढ़ाई अभी स्टार्ट हुआ मोबाइल से ही ऑनलाइन क्लास हमारा स्टार्ट होता था, ऑनलाइन ही चलता था, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम क्यों होगा। तो आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी जिनका ईयरली एग्ज़ाम होता है, यानी साल में एक बार होता है, चाहे वो सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, बाकी जैसे BFarm हो गया, DFarm, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, BSc नर्सिंग, इन सभी का सेमेस्टर वालों का, तो दोनों का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो सेमेस्टर वाले हैं और जो नॉन सेमेस्टर वाले हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं और आप जो है पढ़ाई करते हैं और आप छत्तीसगढ़ की स्टूडेंट हैं, तो आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी निकल कर आ रहा है कि जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जो मैंने आपको बताया कि आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट का एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन नहीं, सॉरी, आप सभी स्टूडेंट का एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन होगा। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। और अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये आप क्या बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, हम तो हमारा तो टाइम शेड्यूल बनकर रेडी हो गए हैं कि एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन होगा करके। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट का एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन ही होगा, जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा। यकीन मानिए, जो भी टाइम टेबल आप लोगों का इशू हो गया है, यकीन मेरा मानिए, आप लोगों का ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगा। तो बिल्कुल भी आप लोगों को घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रहिए, आप लोगों का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जब आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन करके भी रख लेना, ऑन रखने का ये फ़ायदा रहेगा, तो जब भी मैं कोई भी कोई छोटी बड़ी अपडेट मैं आप लोगों के बताऊंगा तो वो जानकारी सबसे पहले आप लोगों को मिल सकेगा। तो आप लोगों का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में जो लिखना लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।